हेलो बच्चों बच्चों, आज सिक्स चैप्टर की ऑलमोस्ट लास्ट क्लास समझो आप, क्योंकि इसके बाद अगर मैं सिक्स चैप्टर में कुछ कराऊंगा अभी तो ग्राफ कराऊंगा, ठीक है। और आज की क्लास में मैं ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा कंटेंट खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो देखो जरा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं हम लोग। आपसे कहा गया है सॉल्व द 7 to 10 एक्सरसाइज एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली। बच्चों ग्राफ के ऊपर दिखाना है, तो कैसा ग्राफ दिखाना जरा देखेंगे। आपको दिया हुआ है 5x+1 > -24, 5x-1 < 24, ये दिया गया है, ठीक है। आप ऐसा करो बच्चों, दोनों को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो पहले। तो कैसे करेंगे, प्लस का वन उस तरफ जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का वन, और ये बन जाएगा माइनस का 25। 5 यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां पर आके डिवाइड करेगा, कैंसिल आउट हो गया 5, तो एक्स इज ग्रेटर देन -5। अब इसकी बारी, माइनस का वन उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का वन, तो 5x 25, 5 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, कैंसिल आउट 5, एक्स इज लेस देन 5। अब ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, अब लिखेंगे हम यहां बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। भाई फर्स्ट और सेकेंड से हमने क्या देखा, हमने क्या चेक किया, हमने ये चेक किया कि बच्चों जो एक्स है वो -5 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। तो इसको नंबर लाइन के अगर ग्राफ पे हम दिखाएं, ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये -1, ये -2, ये -3, -4, -5, -6, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब क्या बोला उसने, -5 से बड़ा, तो भाई -5 पे ऐसे करो, क्या इसके नीचे इक्वल का साइन है, नहीं है, तो ये वाला गोला और इस तरफ 5 तक, ठीक है। और अब ये रहा 5 खाली गोला, क्यों, क्योंकि इधर भी इक्वल नहीं है, और इससे क्या बच्चों छोटा, कहां तक, यहां तक। तो बस इस तरीके से ये हमारा आंसर है कि भाई -5 से बड़ा लेकिन 5 से छोटा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8 कराते हैं। 2x-1 x+5 3x+2 > 2 - x, ठीक है। चलो अंदर मल्टीप्लाई, पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2x-2 पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब x को उठा के इस तरफ ले आओ और -2 को उठा के उस तरफ ले जाओ, तो x लेस देन आया 7 से फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पे इसको सॉल्व करेंगे, 3x + 3 2 = 6, इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई, 2 - x, -x इधर आके प्लस का x हो गया, 2 इधर जाके -6, 4, और ये हो गया -4, और ये -4/4 कट गया क्योंकि 4 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, x -1 से ग्रेटर सेकंड, ठीक है। तो लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई x -1 से ग्रेटर है लेकिन 7 से छोटा है, x -1 से ग्रेटर है लेकिन 7 से छोटा है, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो नोट करो, फिर नंबर लाइन पे दिखाता हूं इसको, नोट करो बच्चों, फिर नंबर लाइन पे भी दिखा देते हैं। देखो ये तो कर लिया होगा आप लोगों ने, अभी पता नहीं किया होगा नहीं किया होगा, करो नोट करो, जल्दी करो, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो, कर लिया। चलो अब देखो इस नंबर लाइन पे दिखा देते हैं क्या है, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3,
माइनस फोर माइनस फाइव डॉट डॉट डॉट। अब क्या बोला उसने, माइनस वन से ग्रेटर, लेकिन इक्वल तो है नहीं तो खाली गोला। और इसने क्या बोला है, सेवन से लेस देन, लेकिन इक्वल तो है नहीं खाली गोला। तो इस तरीके से बच्चों इसको हम नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग कर लेंगे, 10 भी आप लोग कर लेंगे। चलो 10 मैं करा देता हूँ, 9 तो आप लोग कर ही लेंगे। ये 8 क्वेश्चन नंबर 8 का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद ट्राई करना, 10 मैं करवा रहा हूँ। इसके बाद बड़े प्यारे प्यारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो करते हैं, फिर हम लोग अगर आज टाइम बचा तो ग्राफ भी करके खत्म कर देंगे। 10th क्वेश्चन, हाँ जी, 5 2x माइनस 7 माइनस 3 2x प्लस 3 लेस देन एंड इक्वल टू 0 कॉमा 2x प्लस 19 लेस देन एंड इक्वल टू 6x प्लस 47। ये दिया हुआ है ना, चलो हाँ जी करेंगे इसे जरा। ये बनेगा 10x माइनस में 35, ये बनेगा माइनस में 6x माइनस 9। ठीक है, तो भाई 10x में से 6x गया 4x, 35 और 9 माइनस 44, माइनस का 44 बच्चों उधर जाके हो जाएगा प्लस का 44, 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा, इधर आके डिवाइड, कैंसिल आउट 11, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 11। अब इसी तरह इसको भी सॉल्व करूँ बच्चों, 2x वहाँ जाएगा 47 यहाँ आएगा, तो माइनस का 47, 6x माइनस 2x। हाँ भाई 47 में से 19 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, जल्दी बता दो, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 28 और ये आएगा 4x, 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा इधर आके डिवाइड करेगा, कैंसिल आउट 7, तो माइनस 7 ये हो गया सेकंड, ये हो गया फर्स्ट, तो बस बाय फर्स्ट एंड सेकंड। क्या देखा बच्चों हमने कि x माइनस 7 से ग्रेटर और इक्वल है जबकि 11 से लेस देन और इक्वल है, तो इसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 डॉट 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट डॉट। अब क्या बोला है, माइनस 7 से बड़ा लेकिन इक्वल भी, तो डार्क गोला। और इसी तरह यहां से ऐसे और यहां पर ऐसे, ठीक है नोट कर लो। हाँ जी बच्चों आगे देखेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल शुरू हो जाते हैं बच्चों, जैसे न्यूमेरिकल नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यहाँ से थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम शुरू होएगा और इन्हीं वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहले 11 फिर 14 फिर एक एग्जांपल करेंगे फिर हम 12 और 13 करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 फ़ारेनहाइट एंड 77 फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ द सेल्सियस फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन बाय दिस। चलो भाई सबसे पहले देखो, आपको पहले से ही कहा गया है अ सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 11 है, अ सॉल्यूशन इज कैप्ट कैप्ट
इज कैप्ट बिटवीन द टेम्परेचर, हाँ जी, किस टेम्परेचर के बीच में रखा गया है? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 फ़ारेनहाइट के बीच, इस फ़ारेनहाइट के बीच में रखा गया है, ठीक है? अच्छा, और अब कह रहा है कि इस फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर दो। इस फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट कर दो? सेल्सियस में। और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है 9/5c+32। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है, ठीक है? तो भाई ये इसके बराबर दिया हुआ, तो मैंने इसकी जगह पे ये पुट कर दिया। अब मैंने क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, जो भी यहां पर हो, एक्स हो, जो भी हो, सी हो, एफ हो, जो भी हो, इन सबको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 32 को हटाओ। तो कैसे? सब्ट्रैक्ट 32। तो जब माइनस करेंगे तो सब में से करेंगे, सब में से 32 माइनस कर दो। तो इसमें से करोगे तो 6 और इसमें करोगे 3। 32 से 32 कट गया, 9/5c। हाँ भाई, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 3 गया 4, ठीक है? अब क्या करेंगे? हाँ जी, अब 5 आ रहा है फालतू में, तो क्या करो, सबको मल्टीप्लाई कर दो। ये यहाँ डिवाइड कर रहा है 5, तो मल्टीप्लाई करके हट जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 से 5 तो कट गया, ठीक है? तो ये आ गया 36 इंटू में 5, 9c, 45 इंटू में 5। अब 9c, तो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा, तो डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय, तो सबको अब किससे क्या कर दो, 9 से डिवाइड कर दो, सबको 9 से डिवाइड कर दो। जैसे ही 9 से डिवाइड करोगे, इसे 4, इसे 9 से 9 कट गया, 9 से 45 कटेगा 5। तो कितना आ गया बच्चों आपके लिए, आ गया 5 4 20 c, और ये 5 5 25। तो यानी अगर अब आपसे पूछे कि ये सॉल्यूशन अगर फ़ारेनहाइट में, अगर फ़ारेनहाइट में 68 से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में है, तो ये सॉल्यूशन सेल्सियस में कितने के बीच में होगा? 20 से 25 डिग्री के बीच में होगा। चलिए ये क्वेश्चन खत्म। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। ये कीजिए, जल्दी कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 14 कराता हूं मैं। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 11 कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है कि IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय फॉर्मूला। IQ का एक फॉर्मूला दिया गया है, कह रहा वेयर MA इज अ मेंटल एज, एक मेंटल एज है, और CA इज अ क्रॉनिकल एज, ठीक है? और कह रहा IQ जो दिया गया है वो 80 से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू IQ एंड लेस देन एंड इक्वल टू 140 फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर चिल्ड्रन, ठीक है बच्चों, 12 साल के बच्चे के लिए, ठीक है? अब एक बात याद रखना, मेंटल एज क्या होता है कि जो हम जिस उम्र में भाई होशियार होना शुरू होते हैं, और क्रॉनिकल एज कौन सी होती है? बच्चों की उम्र। कौन सी उम्र होती है? बच्चों की उम्र, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है? तो हम लिखेंगे द IQ रेंज ऑफ चिल्ड्रन चिल्ड्रन इज 80 से अबव एन इक्वल IQ एंड 140 से लेस देन एन इक्वल टू, ठीक है? चलिए IQ का फॉर्मूला आपको क्या दिया गया है, MA मेंटल एज अपॉन में CA क्रॉनिकल एज 140। हाँ भाई, क्रॉनिकल एज के लिए आपको क्या वैल्यू दी गई है, 12 साल का बच्चा, ठीक है? यही दी गई है ना। अब आपको पता ही है कि भाई अगर आपको मेंटल एज का रेंज निकालना है, मेंटल एज का, तो क्या करेंगे भाई, मेंटल एज को अकेला करेंगे, यहां पे 12 सबसे क्या कर रहा है, डिवाइड, तो सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12। तो 80 इंटू में 12, MA अपॉन में 12 इंटू 12, 140 इंटू में 12, तो 12 से 12 कैंसिल, 960, और इसका जीरो
12 चौक 48 का 8 रह गया 4, 12 कम 12 4 16, तो ये इसकी रेंज है बच्चों। तो मेंटल एज की रेंज है 960 से कितनी बच्चों, 1680। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए इसको। इसके बाद आपको मैं करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 20, फटाफट आ जाओ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 19 आप खुद कर सकते हो। इसमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए बताया गया है। अब मैं आपको करवा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 20, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। चलिए देखेंगे जरा, क्वेश्चन समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 20, एक बार कर लो उसके बाद सारे दुख खत्म। इसमें क्वेश्चन को समझेंगे पहले, उसके बाद जाके मैं ये आगे बताऊंगा कि क्या हो रहा है इसमें। कह रहा, अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, हाउ मैनी लीटर ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू द एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%। लो भाई, पहले ध्यान से समझना क्या समझा रहा हूं मैं। आपके पास भाई एक कंटेनर है और उस कंटेनर में 600 लीटर सॉल्यूशन है। कितना सॉल्यूशन है? 600 लीटर सॉल्यूशन है जिसके अंदर एसिड की परसेंटेज 12 है। ठीक है, और एक कंटेनर और है, एक कंटेनर और है जिसके अंदर सॉल्यूशन पता नहीं कितना है, कितने लीटर हो मुझे नहीं पता। ठीक है, बहुत सारा है, जिसका एसिड परसेंटेज जो है वो 30% है। जिसका एसिड परसेंटेज जो है 30% है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, इस बात को समझ गए तो आपका क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो गया। आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर 600 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है, और उस 600 लीटर सॉल्यूशन में 12% एसिड है। कितने परसेंट एसिड है? 12% एसिड है। लेकिन अब आपके पास एक कंटेनर और है, कितना कितना सॉल्यूशन है, कितना सॉल्यूशन है हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इस सॉल्यूशन में इसका सेम एसिड, इस सॉल्यूशन में इसका सेम एसिड 30% है। कितना है? 30% है। तो कह रहा, अब ये बताओ कि इस सॉल्यूशन का कितना हिस्सा इसके अंदर मिला दूं, इस सॉल्यूशन का कितना लीटर इसमें मिला दूं कि मेरी परसेंटेज इस वाले की 12 की जगह, 12 की जगह 15 से ज्यादा हो जाए लेकिन 18 से कम हो जाए। मेरी बात को ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने। इस कंटेनर में 600 लीटर सॉल्यूशन है जिसके अंदर 12% एसिड है। इस कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन बहुत सारा है लेकिन एसिड की परसेंटेज कितनी है? 30%। अभी वो बताओ, इससे तो ज्यादा परसेंटेज हुई ना एसिड की। सही बात है। तो इसका कितना सॉल्यूशन उठा के इसमें मिला दूं, इसका कितना सॉल्यूशन उठा के इसमें मिला दूं कि इसके एसिड की परसेंटेज 12 की जगह 15 से 18 के बीच में आ जाए। किसके बीच में आ जाए? 15 से 18 के बीच में आ जाए। तो बताइए कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो यहां तक की कंडीशन तो समझ में आ गई, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिख लो एग्जाम्पल नंबर 20। सिक्स लीटर्स सॉल्यूशन कंटेनर कंटेनर हैज 12% एसिड एंड 30% एसिड कंटेनर एसिड, सो लेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन एडेड इज एडेड लेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 30% एसिड एडेड टू 600 लीटर सॉल्यूशन। तो भाई हम मान के चलते हैं कि हमने 30% वाला एसिड
का सॉल्यूशन 600 लीटर वाले सॉल्यूशन में ऐड किया, कितना ऐड करके चल रहे हैं एक्स लीटर। मान लिया मैंने कि भाई 600 वाले सॉल्यूशन में, भाई 600 वाले सॉल्यूशन में 30% एसिड का सॉल्यूशन का अमाउंट कितना ऐड कर रहे हैं, मान लो एक्स लीटर ऐड कर रहे हैं। यहां तक बात पल्ले पड़ गई सभी बच्चों को? चलो अब अगर ऐसा है तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। अब अगर ऐसा है तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। इसमें एसिड था 600 लीटर, सॉल्यूशन था 12%, वो एसिड था 12%। इसमें सॉल्यूशन कितना था हमें नहीं पता, लेकिन एसिड था 30%, और मैंने इसका कितना हिस्सा इसके अंदर ऐड कर दिया, एक्स लीटर। ठीक है, और एक्स लीटर ऐड करने के बाद ये किसके बीच में आ गया, 15 से 18 के बीच में आ गया। तो अब हमने क्या देखा, नाउ तो हमने क्या देखा कि ये 15% एसिड, 15% एसिड कब हुआ, जब मैंने इसका एक्स लीटर उठा के इस 600 में डाल दिया। तो बताओ ये 600 लीटर तो पहले ही था, इसका एक्स और आ गया, तो बताओ ये सॉल्यूशन अब कितना हो चुका है, 600 प्लस एक्स लीटर हो चुका है कि नहीं हो चुका है, खुद ही सोचो ना यार। अगर मान लो आपके पास कोई 600 लीटर सॉल्यूशन है, आप उसमें 2 लीटर और सॉल्यूशन मिला दो तो कितना हो जाएगा, 602, 20 लीटर और मिला दो तो कितना हो जाएगा, 620। तो बस अगर इसके अंदर 600 लीटर सॉल्यूशन है और इसका एक्स लीटर इसमें मिला दिया तो कितना सॉल्यूशन हो गया, 600 प्लस एक्स, और कितना परसेंटेज हो गया, 15% ऑफ 600 प्लस एक्स लीटर। ठीक है, अच्छा ये जो कंडीशन बनी है किसकी कंडीशन से बनी है, जब मैंने 12% ऑफ 600 लीटर को ऐड किया किसके साथ, 30% ऑफ एक्स लीटर के साथ। ध्यान से सुनना भाई, ये हमारे पास 15 से 18 की कंडीशन कब बनी है, 15 से 18 की कंडीशन कब बनी है भाई, जब तक हमने इसमें ऐड नहीं किया था, ये अपना 12% था, ये अपना 30% था, लेकिन 15 से 18 के परसेंटेज की जो एसिड बनी वो कब बना, जब मैंने इसका एक्स लीटर उठा के इसमें मिला दिया। तो यानी इसके अंदर, इस अकेले के अंदर जब इसका परसेंटेज मिला दिया तब जाके ये 15 से 18 के बीच में आए। और 18 भी ये कैसे बना, 18% भी कैसे बना, जब मैंने इसको इसके अंदर मिला दिया, और मिलाने के बाद कितना हो जाएगा, 600 प्लस एक्स लीटर। तो बस अब इसी लाइन को आपको क्या करना है बच्चों, इसी लाइन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं, 15% हटाएंगे नीचे 100, ऑफ हटाएंगे मल्टीप्लाई 600 प्लस में x, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 मल्टीप्लाई में 600 प्लस, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 इनटू में ऑफ हटाएंगे x प्लस 18% हटाएंगे नीचे 100 ऑफ हटाएंगे ये 600 प्लस में x। हाँ जी, तो क्या हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 15 6 90 और 00 प्लस 15x अपॉन में 100, इसका हो जाएगा 12 6 7200 बटे में 100 प्लस 30x बटे में 100 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 18 6 108 00 अपॉन में 100 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दो 18x अपॉन में 100। ठीक है अपॉन में 100, यानी कि अपॉन में पूरे का ही 100 आ जाएगा ना, क्योंकि 18 तो इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, इससे मल्टीप्लाई पूरे के अपॉन में 100। तो भाई 9000 प्लस 15x बटे में 100। हाँ जी, इसका 100 नीचे कॉमन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई एलसीएम सेम है, तो जब नीचे सेम तो ऊपर भी सेम। और ये आ गया 1000 प्लस में 18x बटे में 100, तो नीचे का 100 नीचे का 100 नीचे का 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा बचा क्या, 9000 प्लस 15x 7200 प्लस 30x 18x। हाँ जी, अब सबसे पहला काम क्या है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे अब क्या करना है, x को अकेला करना है। तो जब x को अकेला करना है बच्चों, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो एक काम करता हूं कि यहां से मैं 7200 हटाता हूं, सबसे पहले मैं यहां से 7200 हटाता हूं, तो लिखेंगे सबट्रैक्ट 7200, तो 9000 प्लस 15x माइनस 7200 ठीक है,
और 7200 प्लस 30x माइनस 7200, इसमें से भी माइनस 7200, हाँ जी, तो इसमें से जाएगा तो 1800 बचेगा, ठीक है, प्लस 15x, 7200 से तो 7200 कट गया, बच गया 30x। हाँ भाई, 7200 से इसमें जाएगा कितना बचेगा जल्दी बताओ, 3600 बचना चाहिए, प्लस 18x। चलो अब क्या करूं भाई, अब मुझे यहाँ पे 30x है, यहाँ पे क्या है 30x है, तो क्या करेंगे, सबको 30 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 30, डिवाइडेड बाय 30, चलो भाई सबको 30 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1800 प्लस 15x बटा क्या भाई 30, और यहां पर 30x बटे में कितना है, एक काम करो ना, क्यों इतने लफड़े पाले, मैं अब एक काम करता हूं, सबसे सिंपल काम करता हूं, क्या काम करते हैं बच्चे, एक बार इस हिस्से को सॉल्व करो, ठीक है, और एक बार इस हिस्से को सॉल्व करो, ये ऐसा कर लो, या मैं एक काम करता हूं, मैं तुम्हें इन लफड़ों में ही नहीं डालता हूं, सबसे बढ़िया इलाज बताता हूं तुम्हें, मैं एक ऐसा इलाज बता देता हूं जो हर जगह सूट करेगा। अब देखो, अब तक क्या कर रहे थे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता था तो हम क्या करते थे, इसको मैं पहले डार्क लिख लूं, 9000 प्लस में 15x, 9000 प्लस 15x, 7200 प्लस 30, 7200 प्लस 30x, 1800 प्लस 18x, ये ठीक है। अच्छा अब सुनो, जरा ध्यान से सुनना क्या लिखना जा रहा हूं मैं, अब तक जो हम सॉल्व कर रहे थे तो यहां पे डिजिट होता था, बीच में वेरिएबल होता था, यहां पे भी डिजिट होता था, लेकिन इस बार बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि यहां भी वेरिएबल है, यहां भी वेरिएबल है, यहां भी वेरिएबल है, तीनों के पास वेरिएबल है, तो जब तीनों के पास वेरिएबल हो तो पता क्या करो, सेपरेट सेपरेट सॉल्व करो, एक बार इस हिस्से को सॉल्व करो लेस देन वाले को, और एक बार इस हिस्से को सॉल्व करो ग्रेटर देन वाले को, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने देखो डब्बा भी बना दिया बड़ा सा, मैंने आप लोगों के लिए डब्बा भी बना दिया यहां पे बड़ा सा, क्या कि भाई पहले लेस देन वाले दोनों को सॉल्व करो और फिर ग्रेटर देन वाले दोनों को सॉल्व करो, तो करो नाउ कंसीडर, कंसीडर कंसीडर कर लेंगे कि 9000 प्लस 15x लेस देन 7200 प्लस 30x, ऐसे कर लो, और इसको 7200 प्लस 30x 1800 प्लस 18x, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे भाई, 7200 को उठा के इधर ले आओ, तो 9000 माइनस 7200, और ये प्लस का 15x इधर आके माइनस, ये बचेगा 1800, ये बचेगा 15x, 15 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, काट दो 15 एकम 15, 3 0, तो यानी 120 से ग्रेटर, x की वैल्यू किससे ग्रेटर, 120 से ग्रेटर। अब यहां देखो, हाँ जी, इसको उठा के उधर, इसको उठा के इधर, तो 30x माइनस 18x, 10800 7200, 12x 3600, 12 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, काटो, 3 0 0, तो भाई आपके पास नई कंडीशन बन गई, एक तो कंडीशन बनी 120 से ग्रेटर और एक बनी 300 से छोटा, तो अब यानी हमें करना क्या था, हमें करना यही था, हमसे पूछा ही यही गया था कि भाई इसको अगर फर्स्ट मान, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, हम क्या देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू 120 से ग्रेटर होगी लेकिन 300 से छोटी। अब हमसे क्या पूछा गया, एक्स कौन है, यहां पर एक्स है वो 300 लीटर वाला, सॉरी वो सॉरी वो 30% वाला सॉल्यूशन जो हमने ऐड किया है, तो आपसे पूछा गया कि अगर आपकी परसेंटेज, यानी अगर उस 600 लीटर वाले की परसेंटेज 12 से बढ़ाकर 15 से 18 के बीच में करनी है तो बताओ कितने लीटर सॉल्यूशन ऐड करेंगे, तो आपको यहां पर जवाब देना है, नाउ वी हैव टू एड 30% एसिड सॉल्यूशन सॉल्यूशन मोर देन 120 लीटर बट लेस देन 300 लीटर्स, ठीक है। तो बच्चों आपको यहां पे ये बताना है कि अगर आपको 15% से 18% के बीच में एसिड की परसेंटेज लानी है तो आप क्या करेंगे, उस 600 लीटर वाले सॉल्यूशन में भाई 30% का 120 से ज्यादा और 300 लीटर से कम ऐड करेंगे तो अपने आप इसकी परसेंटेज कहाँ चली जाएगी, 15% से ऊपर और 18% से
नीचे। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इसे नोट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। नोट कीजिए बच्चों, नोट कर लिया होगा बच्चों आपने ये। हाँ जी, अब अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, अब अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, तो बच्चों ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो कैसा, ये नोट कर लिया होगा। अब देखो मैं इसे यहां मिटा रहा हूं, ठीक है, और आपके लिए ये कंडीशन बना के दे दूंगा, बस आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको कंडीशन बना के दे रहा हूं मैं। देखो कंडीशन क्या थी, अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग अ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% इफ वी एड 640 लीटर ऑफ 8% सॉल्यूशन, हाउ मेनी 2% सॉल्यूशन शुड बी एडिड। चलो आपके पास एक बीकर है, यानी कोई भी कंटेनर है जिसमें 600 लीटर, आपके पास एक कंटेनर है जिसमें 640 लीटर सॉल्यूशन है, और इसका जो एसिड परसेंटेज है वो 8% है। इसका जो एसिड परसेंटेज है वो 8% है, और इस बार ना एसिड का नाम भी दिया है, बोरिक एसिड। कौन सा एसिड है? बोरिक एसिड है। कह रहा है, अब कह रहा है एक कंटेनर और है, एक कंटेनर और है, इसके अंदर भी सॉल्यूशन है लेकिन इसका एसिड परसेंटेज 2% है, और इसमें भी कौन सा एसिड है? बोरिक एसिड है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, एक कंटेनर है जिसके अंदर सॉल्यूशन है 640 लीटर, और उसके अंदर बोरिक एसिड कितना है बच्चों? उसके अंदर बोरिक एसिड जो है वो 8% है। 640 लीटर का कंटेनर है, 8% उसके अंदर बोरिक एसिड है। एक कंटेनर और है, एक कंटेनर और है, लेकिन इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो कितना है हमें नहीं पता, कितना है हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो एसिड परसेंटेज है वो 2% है। तो बताओ कितने लीटर सॉल्यूशन, तो बताओ कितने लीटर सॉल्यूशन इसके अंदर ऐड करूं कि इस 8 वाले की परसेंटेज लेस होके, कम होके 4 से 6 के बीच में आ जाए। किसके बीच में आ जाए? 4 से 6 के बीच में आ जाए, तो बस बात खत्म। अब देखो जब मैं इसका एक्स लीटर इसमें ऐड करूंगा तो अब नई नई सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 640 प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर आप किसी 600 लीटर के सॉल्यूशन में 10 लीटर ऐड करेंगे तो वो 610 हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 640 में एक्स लीटर ऐड करोगे तो 640 हो जाएगा। तो यहां पे क्या बनेगा? यहां पे बनेगा 4% ऑफ 640 प्लस एक्स, और किससे मिलके बनाया है ये? इन दोनों से। किन किन से? 8% ऑफ 640 लीटर और 2% ऑफ एक्स लीटर, 2% ऑफ एक्स लीटर। अगला, हाँ जी, और यहां पे अब क्या है? 4 से ग्रेटर 6 से लेस, 6% ऑफ, कब? जब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, तो 640 प्लस एक्स। अब बच्चों आपको ये कंडीशन बना के दे दी है मैंने, अब आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। और यही सेम कंडीशन आपके क्वेश्चन नंबर 13 में भी है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये हिस्सा होता है खत्म। ये हिस्सा क्या होता है? पूरी तरीके से खत्म।
खत्म। तो आपको ये एक तो क्वेश्चन, ये मैंने कौन सा क्वेश्चन करवाया आपको, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, कौन सा बता दूं मैं, ये आपको मैंने क्वेश्चन करवा दिया बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12। अब ये मैंने क्वेश्चन नंबर 12 का आपको कंडीशन बता दिया, बस एसिड की जगह है बोरिक एसिड कर लेना, ठीक है, इस तरीके से। और क्वेश्चन नंबर 13 सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ट्राई करना है, हो जाए तो ठीक, नहीं होगा तो वो वाला मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। बाकी ये तो आपके आपसे हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कंडीशन बना के दे दी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ग्राफ पेपर अपने पास सब बच्चे अरेंज कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ ग्राफ पेपर का काम है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ खत्म करेंगे, और इसी के साथ आपका 6th चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।